पीएम मोदी ने सातवीं बार की परीक्षा पर चर्चा, करोड़ों छात्रों को दिया तनाव कम करने के टिप्स। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में बच्चों से मिले पीएम मोदी, परीक्षा पे चर्चा से संबंधित प्रदर्शनी का पीएम ने किया निरीक्षण। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, किसी भी तरह के दबाव झेलने के लिए तैयार रहें छात्र। परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को दिया परीक्षा का मंत्र, छात्रों से परीक्षा के लिए दबाव नहीं लेने की अपील की। पीएम मोदी ने छात्रों को जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। पीएम मोदी ने छात्रों को चुनौती से निपटने के बताए गुर, कहा जीवन में चुनौती नहीं होने से प्रेरणाहीन बन जाती है जिंदगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अभिभावकों से की अपील, कहा बच्चों की दूसरों से तुलना ना करें। दोस्ती को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों को दिए टिप्स, कहा छात्र दोस्त से नहीं खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दोस्तों से सीखने की कोशिश की जाए। परीक्षा में सफलता के लिए पीएम मोदी की सलाह, कहा पढ़ने के साथ लिखने की कोशिश करें छात्र, आजकल बहुत कम छात्र लिखने की करते हैं प्रैक्टिस। पीएम मोदी ने छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए दिए टिप्स, कहा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन करें व्यायाम। छात्रों से संवाद में पीएम मोदी का बयान, कहा 365 दिन करता हूं काम, बेड पर जाते 30 सेकंड में आ जाती है नींद। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी, फरवरी से अलग अलग राज्यों में रैली करेंगे पीएम मोदी, पहले चरण में पीएम यूपी में 3 रैलियां करेंगे। 4 फरवरी को बिहार और झारखंड में चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, एक मंच पर दिख सकते हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। बिहार के बेतिया और झारखंड के धनबाद में रैली करेंगे पीएम मोदी, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बजट सत्र के पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी भवन में होगी नेताओं की बैठक। सर्वदलीय बैठक के लिए सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को सरकार ने दिया न्योता, बैठक में आपको बता दें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सीएए पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, कहा 7 दिन में लागू हो जाएगा सीएए, बंगाल ही नहीं पूरे देश में किया जाएगा लागू। कांग्रेस का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, जयराम रमेश ने कहा आखिरी वक्त में नीतीश ने हमारा साथ छोड़ा, बिहार की जनता देगी नीतीश को जवाब। महाराष्ट्र में विधायकों को अयोग्य करार देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, स्पीकर को 15 फरवरी तक दिया गया समय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बिहार में किया प्रवेश, किशनगंज में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में पहुंचे। बिहार प्रवेश करने से पहले बंगाल के दिनाजपुर में राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने यात्रा में रुककर चाय भी पी। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित, कहा जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है बिहार ने लीड लिया है, आज देश बिहार की तरफ देख रहा है। न्याय यात्रा में ओबीसी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की, लेकिन ओबीसी को मिलता है 100 रुपए में सिर्फ 5 रुपए का बजट। राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना की मांग की, कहा देश में ओबीसी जनरल वर्ग की संख्या पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी। बिहार में सत्ता जाते मुश्किल में, लालू यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के सामने पेशी। पटना में ईडी कार्यालय के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़, सुरक्षा के लिए पुलिस बल की गए तैनात। लालू यादव से पूछताछ पर मीसा भारती का बयान, लालू की खराब तबियत का दिया हवाला, कहा उनकी तबियत ठीक नहीं, हमने अधिकारियों से किया है अनुरोध। ईडी ने मीसा भारती को अंदर जाने से रोका, मीसा भारती ने लालू यादव की तबियत खराब होने के कारण साथ रहने की मांग की थी। लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर रोहिणी आचार्य ने बोला हमला, कहा लालू यादव को कुछ हुआ तो सीबीआई और ईडी होगी जिम्मेदार। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर भी कसा शिकंजा, कल तेजस्वी से ईडी करेगी पूछताछ। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर बोला हमला, कहा आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे ही, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का शिकंजा, दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी का शिकंजा, मानेसर लैंड डील मामले में भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता रविंद्र वायकर से ईडी की पूछताछ, तीसरे समन पर ईडी कार्यालय में पहुंचे। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म, बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक में बजट सत्र को 5 फरवरी से आगे बढ़ाया गया, नई तारीख का अभी तक नहीं हुआ ऐलान, सदन की कार्यवाही बुलाने के लिए सीएम नीतीश को किया गया अधिकृत। बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद एक्शन शुरू, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस।
बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा सचिव को भेजा नोटिस। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा बिहार में विकास से आगे का रोडमैप विकास के लिए नीतीश एनडीए के साथ आए। डिप्टी सीएम लगातार निशाना साध रहे हैं, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार तो लालू जी का गहना, 1.5 साल की उम्र में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण बात बिगड़ गई। जेडीयू के नीरज कुमार ने स्थिति के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, कहा क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान करना कांग्रेस के डीएनए में नहीं। नीतीश कुमार पर मनोज झा का हमला, नीतीश को बताया महागठबंधन के कातिल, कहा भरोसे के नाम पर कत्ल किया। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का राहुल गांधी पर हमला, कहा हमारी पार्टी राजनीतिक यात्रा कर रही है, पार्टी में कई महान और समझदार नेता देशाटन पर निकले हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन बनते ही कई रोग से घिर गया था, नीतीश कुमार ने किया अंतिम संस्कार। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की साख हुई खत्म, इग्नोरेंस ने नीतीश को वहां निकलने पर मजबूर किया। संजय राउत ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी और नीतीश को हो गई है भूलने की बीमारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, 15 फरवरी तक यूपी में बीजेपी हारी सीटों पर तय कर सकती है प्रत्याशी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, सील इलाके के आसपास की दीवार को हटाकर सर्वे कराने की अपील। नीतीश के एनडीए में जाने पर जेएमएम का बड़ा बयान, कहा झारखंड में गठबंधन अटूट, 2024 में बीजेपी को हराएंगे। जी